फैल रही बीमारियों के उपचार की बात, होगी राजनीति, खेल और फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों के फिटनेस और बीमारियों के बारे में बात। हम बताएंगे कौन सा फल और कौन सी सब्जी बनेंगे आपके दोस्त और रखेंगे आपको बीमारियों से दूर। तो हो जाइए तैयार, एक खास प्रोग्राम को लेकर आ रहा हूँ मैं अंकुर अस्थाना और मैं रिजवान खान। इस प्रोग्राम का नाम है GST। ना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि गुड सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट। अक्सर आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से परेशान रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। दरअसल हार्ट ब्लॉकेज की समस्या दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारी है। ये दो तरह की होती है। जन्म से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक कहते हैं और बड़े होने पर हार्ट ब्लॉकेज की होने वाली समस्या को एक्विरेड हार्ट ब्लॉक कहते हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आजकल एक्विरेड हार्ट ब्लॉक की समस्या आम हो रही है। इसका इलाज एंजियोप्लास्टी अथवा महंगी दवाएं या फिर बाईपास सर्जरी है। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें। ये चीज़ें हार्ट ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक रोक सकती हैं। इसके अलावा ये फूड धमनियों को साफ करके ब्लड फ्लो को भी ठीक रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं जमने देते। इसके अलावा आपको बता दें कि हार्ट ब्लॉकेज होने पर क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आपको बता दें कि इस बीमारी के दौरान दिल की धड़कनें निश्चित समय अंतराल पर ना होकर रुक रुक कर चलती हैं, साथ ही चक्कर आने या बेहोश हो जाना, इसके अलावा सिर दर्द रहना और थोड़ा काम करने पर थकान महसूस होना और छोटी छोटी सांसें आना और सीने में दर्द रहना, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं हार्ट ब्लॉकेज के। अब बात करते हैं हार्ट ब्लॉकेज के उपायों के बारे में। नंबर एक, तरबूज। अमीनो एसिड से भरपूर तरबूज शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड धमनियों को रिलैक्स करने, इन्फ्लामेशन को दूर करने और ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करता है और ये शरीर में फैट कंजप्शन को भी रोकता है। पेट में कम फैट होने से हार्ट डिजीज का खतरा भी कम होता है। नंबर दो, हल्दी। हल्दी में मौजूद विटामिन B6 हार्ट को मजबूत करने में मदद करता है, इसके लिए हल्दी वाला दूध पिए। नंबर तीन, नींबू पानी। नींबू पानी को भी रोजाना पीने से हार्ट ब्लॉकेज की आशंका कम होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर चार, ओलिव ऑयल। इसमें मोनोसैचुरेटेड ओलिक एसिड पाया जाता है जो फैटी एसिड है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लॉकेज होने से रोकता है। क्योरेन हेल्थ डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।